हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमें टूथ एक का बारे में, दांत को किस तरह अच्छे से रखना है उसका बारे में डेमो करने जा रहा हूँ। सिंपल है ये, सारा हिंदुस्तान में मिलता है, इजी है। उसके लिए हम लोग बेसिकली फाइव आइटम्स जरूरी है। वो है ल्यूकस एस्पेरा, उसका सीट, ल्यूकस एस्पेरा का सीट चाहिए। सेकेंड है मार्सांग, हम लोग का लोकल में, और स्प्लेंटस एक मेला बोटानिकल नेम, और इसका डूब घास हाँ सैनोडन डेक्टिलन, और सोलानम स्पेसिस है, ये हम लोग बेंगाना गुटी बोलता है, अंडों में गुटी होता है कायता काटा, इसका सीट लेना है। और इसके बाद एक तो है एरंडी कैस्टर, कैस्टर और सीड लोग को सबको कूटना है। ये इसका भी बेंगाना गुटी का भी सीट को कूटो, और इसका भी सीट को, ये सब सीट को ड्राई करना है, मेसूसित होना है, ये इतना मेसू नहीं हुआ है, ये लो। इसके बाद इसका सीट को, हाँ इसका सीट को लेना है, ये सब को ले लो। हाँ इसके बाद ये डूब घास, डूब घास विद रूट, उसका साथ छोटा छोटा काट के ये हमें, इसके बाद अरंडी कैस्टर उसका सीट को कूट के ये हमें रखना है। उसको सारा को सुखा के पाउडर करके इसके बाद उसको स्मोक करो कागज़ में लेके। मान लो ये पाउडर हो गया, हम लोग पाउडर कूटा है, पाउडर बना के उसको ऐसा बीड़ी बनाना है, ऐसा बीड़ी रोलिंग करना है बीड़ी साइज में। इसके बाद इसको, इसके बाद उसको बीड़ी बीड़ी साइज का बना के, जैसे कि बीड़ी बनाते हैं, बीड़ी बना के स्मोक करना है। स्मोक करने से क्या होगा, पहले मुख फूलेगा, फूल के तीख हो जाता है, दांत का जो हम लोग आदमी लोग कीड़ा काटा बोला है वो वाला, एक्चुअली दांत का कीड़ा नहीं होता है, उसको बैक्टीरिया होता है दांत का तो। और इसके बाद भी ये दांत को सही रखने के लिए आपको हमेशा गुल नींबू या नींबू, बेसिकली ये गुल नींबू बहुत अच्छा होता है, उसको छूने के पहले काट के उसका निचोड़ के उसका जूल को हमेशा पानी मिला के सूते समय में पीना है। और कभी कभी काला नमक लगा के, काला नमक और गुल नींबू का रस से मुँह को कभी कुलकुला करना है, गर्गुल करना है। और कभी कभी ये जत्रोपा, पहले भी दुखा सका है मेरा पायरिया में, ये जत्रोपा, जत्रोपा को कभी कभी ये दांती से ऐसा ब्रश करना है, या सुबह सुबह का थोड़ा खाना है, ये जहर नहीं है। दांत को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हम लोग को विटामिन सी की जरूरी है, कैल्शियम की जरूरी है, इसलिए नींबू खाया करो, और माखोई मड़ुआ मिलेट्स हम लोग का खाना जरूरी है समय समय में। और मीठा स्वीट को हम लोग छोड़ने से अच्छा है, जैसे कि रसगुल्ला या शुगर, यह हम लोग एवॉइड करने से अच्छा है। और बनाना, सुअर का मीट और कचू और टीटा गुटी सोलानम स्पेसिस, वो खाने से भी दांत का बीमार बढ़ जाता है। दांत का सही रखने के लिए वही है फॉर्मूला, विटामिन सीरीज पुट खाइए, नींबू चिंबू हमेशा रेगुलर बेसिस में खाइए, और कभी कभी नींबू के साथ काला नमक बॉइल करके गार्गुल किया कुल्ला कर 20 में करना है। मीठा खाने के बाद मुख को धोना है, मीठा बिल्कुल कम करना है, मीठा से हम लोग का दांत का इन्फेक्शन बढ़ता है। प्लस जहाँ तक लोगों का गिलास में नहीं पीना है, अपन अपना गिलास रखना जरूरी है, चाय पीने का, पानी पीने का अपन अपना गिलास रखना जरूरी है, दूसरे से भी ये इन्फेक्शन आ जाता है। तो आज का वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो नाक नहीं सूंघने वाला, कोई कोई बहुत नाक सूंघने वाला पेशेंट बहुत आता है, हम लोग गुण नहीं मिलता है, सामने में बदबू होने से भी हम लोग बदबू नहीं मिलता है, तो उससे सिंपल डेमो मैं कर दूंगी। थैंक यू सो मच।